हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वैभव, आप सभी का स्वागत करता हूँ अनअकैडमी लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम पर। दोस्तों, मैं आपका एजुकेटर जो आपको डेली करेंट, स्टैटिक और बैंकिंग के टॉपिक डिस्कस करेंगे। दोस्त, आप हो अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जल्दी जल्दी आ जाओ, जुड़ जाओ भाई। कहाँ हो सभी के सभी, फटाफट आ जाओ अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपको दोस्त मिलेगा डेली ढेर सारे डेली लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस जैसे हम आपसे आ रहे हैं 7:30 बजे मॉर्निंग में, ढेर सारे लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, यानी डाउट सेशन, लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट मिलेंगे। एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में जैसे रेलवे, बैंक, एससी, सारे यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, सबके कोर्स आपको अवेलेबल है यहाँ पे। और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा अलग अलग फैकल्टी, एक ही सब्जेक्ट के ढेर सारे फैकल्टी, ठीक है। तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस, जहाँ पर और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी सब्जेक्ट के लिए सारे के सारे आपके सॉल्यूशन ही अवेलेबल है, ठीक है। दोस्त, इन सब को पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और सब्सक्रिप्शन के लिए आपके पास ढेर सारे ऑप्शन है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है कितने मंथ का, 12 मंथ का। और 12 मंथ की बात करें तो 12 मंथ में एक साथ अगर पे करना चाहते हो तो 5,400 रुपी, और मंथ वाइज जाते हो तो कितना, ओनली 450 रुपीज, ठीक है। और याद रखना दोस्त, अगर इससे भी सस्ता चाहिए तो 24 मंथ पे चलो, 24 मंथ में एक साथ पे करने पे 6,480 रुपए, और मंथ वाइज कितना है, ओनली 270 रुपीज। दोस्त याद रखना, अगर इस पे 10% का और डिस्काउंट चाहिए, आपने 10% का और डिस्काउंट चाहिए, तो आपको एक कोड फॉलो करना पड़ेगा। वो कोड है VS10, यानी वैभव श्रीवास्तव 10, देन आपको 10% का और डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है 12 मंथ और 24 मंथ बहुत ही सस्ते हैं, 12 महीने से भी सस्ता है 24 महीने, तो आप इसे देख लो। और वैसे भी जब तक कोरोना वायरस है, इसका प्रकोप चल रहा है, तो ऑफ भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाके आप घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हो, ठीक है। दोस्त, ये मेरा लाइव क्लासेस के शेड्यूल है, ठीक है, ये लाइव क्लासेस के शेड्यूल है, डेली के लाइव क्लासेस। डेली 2 घंटे लाइव क्लासेस चलेंगे, ठीक है, 2 आवर्स, जिसमें से 1 घंटे सुबह मॉर्निंग में, जैसे अभी में 7:30 to 8:30 आपका क्या चलेगा, करंट अफेयर्स, और रात के 9 से 10 आपका चलेगा स्टैटिक अवेयरनेस, करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, जो भी कह लो, इन तीनों में से कोई एक टॉपिक चलेगा। जैसे आज का टॉपिक है बैंकिंग अवेयरनेस का, आज के टॉपिक है बैंकिंग अवेयरनेस के, आज रात 9 बजे के, और अभी सुबह में 7:30 से 8:30, यानी 1 घंटे आपका करंट अफेयर्स का सेशन चलेगा, ठीक है। जो हमारे करंट इंपॉर्टेंट न्यूज होंगे उसे हम डिस्कस करेंगे कल, और यानी परसों और कल के, ठीक है। उसको चलिए रुक करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, अपने पॉइंट की ओर, आ जाओ फटाफट, आ जाओ भाई, कहाँ हो सभी के सभी, ठीक है। आते हैं हमारा पहला इंपॉर्टेंट न्यूज पर। हमारा पहला इंपॉर्टेंट न्यूज है क्या, गवर्नमेंट डिक्लेयर फेस मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर्स एज एसेंशियल कमोडिटीज टू बूस्ट सप्लाई, यानी गवर्नमेंट ने इसे एसेंशियल कमोडिटीज मेंशन कर दिया है, ताकि इसकी सप्लाई क्या की जा सके, बूस्ट की जा सके। हेलो उमंग, आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड। और बाकी कहाँ है तुम्हारे साथ के लोग, ठीक है, याद रखना, सप्लाई एंड बूस्ट सप्लाई फॉर एसेंशियल कमोडिटीज, इसको एसेंशियल कमोडिटीज में मेंशन किया गया, ताकि ये अवेलेबल हो सके आसानी से। हाय श्रेया, गुड मॉर्निंग, कल आप कहाँ थे, कल थे नहीं शायद, ठीक है। एनीवे, द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड फेस मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर एज एसेंशियल कमोडिटीज फॉर द नेक्स्ट 100 डेज, 100 दिन के लिए इन्होंने क्या कर दिया, इसको एसेंशियल कमोडिटीज में मेंशन किया। द मूव इज एम्ड एट स्टेपिंग अप ऑफ एफर्ट्स टू बूस्ट सप्लाई एंड प्रिवेंट होर्डिंग ऑफ दीज आइटम इन इट्स फाइल्स टू चेक द स्पीड ऑफ कोरोना, यानी कोरोना वायरस डिजीज को फैलने से रोकने के लिए किया गया। तूफान माझी, हाय सर, आ जाओ आ जाओ। द सेंटर हैज ऑल्सो इन्वोक्ड द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, किस मैनेज, कौन सा एक्ट, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, टू इंश्योर प्राइस रेगुलेशन एंड अवेलेबिलिटी सर्जिकल एंड प्रोटेक्टिव मास्क, हैंड सैनिटाइजर एंड ग्लव्स, यानी कि इस एक्ट के तहत लोगों को आसानी से सर्जिकल एंड प्रोटेक्टिव मास्क मिल सके और हैंड सैनिटाइजर और ग्लव्स मिल सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने इसे, याद रखना बार बार, 100 दिन के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इसे एसेंशियल कमोडिटीज में मेंशन किया है, ताकि इसकी सप्लाई बूस्ट की जा सके। आप अभी देखो किसी मेडिकल शॉप पर जाओ, ठीक है, मेडिकल शॉप पर जाते हो तो देखो यहाँ पे लिखा रहता, हम लोग बोलते हैं भैया सैनिटाइजर है, तो कहता इतने बड़े वाला, छोटा वाला तो सैनिटाइजर मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आपने याद रखना है इतनी बातें, ठीक है, ये आपको याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एसेंशियल कमोडिटीज, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, इनमें से किस
किस प्रोडक्ट को इसेंशियल कमोडिटीज में रखा गया है, तो आपको याद रखना है हैंड सैनिटाइजर एंड फेस मास्क को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट हमारा, डीए फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर हाइक्ड बाई 4% फ्रॉम 1 जनवरी। याद रखना डीएनएस मतलब महंगाई भत्ता, डीएनएस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इंप्लॉय हैं, लगभग 48 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लॉय हैं, 48 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लॉय हैं, जिसके पापा मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब में होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके लिए टोटा हो गया, यानी क्या उनके लिए अच्छी बात है कि इनका 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया, इन डीएनएस अलाउंस बढ़ा दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का, यानी कि पहले 17% था, अब करके कितना परसेंट कर दिया गया, 21% कर दिया गया महंगाई भत्ता, ठीक है। तो आपको याद रखना, और ये कब से लागू हुआ, 1 जनवरी। अभी दोस्त एक चीज और याद रखना, गुजरात गवर्नमेंट ने अपने स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, गुजरात गवर्नमेंट ने अपने स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को सेंट्रल गवर्नमेंट के महंगाई भत्ता के बराबर अपने एम्प्लॉयज को भत्ता दे रहा था, एम्प्लॉय अलाउंस दे रहा था गुजरात स्टेट, ठीक है, याद रखना आपको, 4% हाइक कर दिया गया इसका। उत्तराखंड सीएम सेलिब्रेट्स फूल देई फेस्टिवल उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट किया। अब बात है उत्तराखंड गवर्नमेंट की, उत्तराखंड के दो कैपिटल याद रखना, एक है आप सभी को पता होगा देहरादून और एक है गैरसैन, अभी बनाया जस्ट, एक है देहरादून एक है गैरसैन, देहरादून गैरसैन दोनों याद रखना उत्तराखंड के, यहाँ के सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत कौन है, यहाँ के सीएम है। और दोस्त यहाँ की गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य, ठीक है। तो आपको याद रखना है इन्होंने एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है यहाँ की गवर्नमेंट ने, देखो उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत सेलिब्रेट्स द ट्रेडिशनल हार्वेस्ट फेस्टिवल फूल दे एट हिज रेजिडेंस विद चिल्ड्रन एग्जैक्टली उमंग, ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत ही हैं, और अपने रेजिडेंस में इन्होंने फेस्टिवल मनाया इसको और बच्चों के साथ, द हार्वेस्ट फेस्टिवल उत्तराखंड दैट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ चैत्र, यानी चैत्र मार्च अप्रैल, द हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग उत्तराखंड और त्रिवेंद्र सिंह रावत एग्जैक्टली थ्री आप मार्च अप्रैल में, याद करना मार्च एंड अप्रैल यानी कि चैत्र मास में हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये फेस्टिवल मनाया जाता है हर साल, कौन सी फेस्टिवल, फूल देई, ठीक है, याद रखना फूल देई फेस्टिवल, कौन सी गवर्नमेंट, उत्तराखंड। अच्छा उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क का नाम बताओ, एक नहीं दो नेशनल पार्क का नाम बताओ फटाक से, उमंग श्रेया बताओ, उत्तराखंड के किसी दो नेशनल पार्क का नाम बताओ जो बड़ा न्यूज में बड़ा हाईलाइट है, हमेशा न्यूज में रहता है, और एक तो नेशनल पार्क वही है जहां पीएम मोदी गए थे बेयर ग्रिल्स के साथ, बताओ फटाफट, श्रेया उमंग तूफान माझी सर कहां हो आप सब, बाकी के लोग कहां चले गए, आज दिख नहीं रहे, अभी सो ही रहे हैं क्या, ठीक है याद बताओ फटाफट, जिम कॉर्बेट, वेरी गुड बंदिता, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और एक है राजा जी नेशनल पार्क। इसका ट्रिक याद है आपको, पता होगा तो हमने बोला भी था, राजा जी गोविंद ऐसे याद करना, राजा जी ने जिम किया, गोविंद माली जैसी बॉडी बनाई, और उत्तराखंड की प्रिंसेस नंदा देवी को फ्लावर लेके प्रपोज करने चल दिए, ठीक है। तो हमने बोला था क्या, राजा जी ने जिम किया, राजा जी नेशनल पार्क, जिम से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गोविंद माली जैसी बॉडी बनाई, गोविंद से हो जाएगा गोविंद पशु विहार, यानी गोविंद पशु विहार, माली मतलब मालन पशु विहार, उत्तराखंड की प्रिंसेस नंदा देवी, तो नंदा देवी से नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, और फ्लावर लेके प्रपोज करने चल दिए, ऐसे हो गया वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, सब कहां पे है, उत्तराखंड में। तो आपने ऐसे याद रखना है, पर्टिकुलर स्टेट को ऐसे याद रख सकते हो, बहुत बहुत इजी ट्रिक है इन सब की, हम इसकी ट्रिक के ऊपर भी वीडियो लाएंगे, बहुत जल्दी लाएंगे, ठीक है। फिलहाल एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, तो याद रखना फूल देई फेस्टिवल कौन से स्टेट ने ऑर्गेनाइज किया, उत्तराखंड ने, ठीक है, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की एक और कैपिटल अभी रिसेंटली में बनी है गैरसैन, याद रखना गैरसैन है उत्तराखंड की नई कैपिटल। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मूव करते हैं, ग्रीक्स फर्स्ट फीमेल
प्रेसिडेंट इज स्वॉन, यानी कि पहली महिला राष्ट्रपति वहां पे स्वॉन की, जिनका नाम है कैटरीना स्केला रोपोलू, कैटरीना स्केला रोपोलू, ये अभी रिसेंटली में क्या बनी है, यहां की प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, पहली बात है ग्रीस की, तो ग्रीस की कैपिटल क्या है दोस्त, ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, यहां की कैपिटल क्या है एथेंस। और दोस्त याद रखना ग्रीस की करेंसी क्या है, तो यहां की तीन करेंसियां फॉलो होती हैं, तीन नाम दिए जाते हैं, एक है ग्रीक ड्रैचमा, ऐसे लिखा जाता है ग्रीक ड्रैचमा, ठीक है, और एक होता है ग्रीक लेप्टन, ठीक है, यूरो, उमंग यूरो नहीं है बाबू, ठीक है, ग्रीक लेप्टन एंड फिनिक्स ऐसे भी लिखे जाते हैं यहां पे, ये तीनों कैपिटल तो है, विवेक यूरो तो है ही, हाँ यूरो तो फॉर्मली फॉलो करते ही हैं, याद रखना, लेकिन ये तीनों कैपिटल करेंसी याद रखना इसके, ड्रैकमा यानी DRACHMA ड्रैकमा, ये ज्यादा फॉलो होता है, लेप्टन ग्रीक लेप्टन एंड फिनिक्स, और यहां की कैपिटल क्या है एथेंस, याद रखना एथेंस ग्रीस, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, सुनील मेहता टू बी, ये याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, क्या सुनील मेहता टू बी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड प्रशांत कुमार टू बी MD एंड CEO ऑफ यस बैंक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हु इज द न्यूली अपॉइंटेड, एक रोमांटिक प्लेस भी है ग्रीस में बहुत, अरे उमंग क्यों तुम चाहते हो सुबह सुबह पिटना, तुमको रोमांटिक प्लेस, अच्छा चलो कोई नहीं, अगर रोमांटिक प्लेस से याद है तो अच्छी बात है, याद रखना उसको, ठीक है। एनीवे तुम्हारा हर जगह कोई ना कोई एक यूनिक चीज रहता है, नहीं चलिए अच्छी बात है, लेकिन उमंग तुम नहीं आते तो ऐसा लगता है कोई कभी है नहीं, किसको डांटना है मेरे को, तुम वो ऐसा लगता है स्किप हो रहा है, एनीवे अच्छा है, आ जाओ फटाक से याद रखना कि प्रशांत कुमार और प्रशांत कुमार को MD एंड CEO बनाया गया और सुनील मेहता को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, किसका यस बैंक का, यस बैंक दोस्त याद रखना जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई में, राणा कपूर इसके फाउंडर थे, राणा कपूर और अशोक कपूर, याद रखना राणा कपूर और अशोक कपूर इसके फाउंडर थे, ठीक है, अभी राणा कपूर को याद होगा ईडी ने पकड़ा हुआ है, ईडी से पूछताछ कर रही है राणा कपूर से, राणा कपूर के पास लगभग 4500 करोड़ की संपत्ति हो गई है इस यस बैंक से इन्होंने बना लिया गड़बड़ घाला करके, ठीक है, यहाँ PNB वाला एग्जैक्टली सुनील मेहता, PNB वाला एग्जैक्टली सुनील मेहता को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया यस बैंक का और प्रशांत कुमार को MD एंड CEO, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड नो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर यस बैंक, इट इज बी लेड बाई फॉर्मर पंजाब नेशनल बैंक चेयरमैन सुनील मेहता, देखो लिखा भी है, ठीक है, प्रशांत कुमार वॉज अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ यस बैंक, महेश कृष्णमूर्ति एंड अतुल भेड़ा विल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स को पूछा तो नहीं जाएगा और कोई पूछेगा नहीं आपसे, बट MD एंड CEO जरूर पूछ सकता है आपका, हु इज द न्यूली अपॉइंटेड MD एंड CEO ऑफ यस बैंक, तो इट्स प्रशांत कुमार, ठीक है याद रखना, और सुनील कुमार इसके यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने, कौन से सुनील मेहता, तो सुनील मेहता वही पंजाब नेशनल बैंक वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, अब आ गया हमारा पॉइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, इसे एक क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता आपसे, भूमि राशि पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब होगा MORTH, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रोड, ऐसे आते हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, हैज सिग्निफिकेंटली एक्सपीडिएट एरर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट लैंड एक्विजिशन फॉर नेशनल हाईवे, यानी क्या इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया, क्या जब नेशनल हाईवे का एक्विजिशन किया जाता था जमीनों का, देखो गांव में लोग कहते हैं ना हमारी खेत हाईवे के बगल में है बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो उसका गवर्नमेंट जबरदस्ती नहीं लोग देते थे तब भी उसका एक्विजिशन कर लिया जाता था, उसको अगर प्रैक्टिकली मैनुअली अगर कैलकुलेट किया जाता था तो उसमें बड़ा टाइम लग जाता था, उसको नापते थे, ठीक है नापते थे और बड़ा सारा तामझाम करके बड़ा महीने डेढ़ महीने दो महीने लग जाते थे उसमें और एक्यूरेट नहीं हो पाता था। अब इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया, भूमि राशि पोर्टल, याद रखना भूमि राशि पोर्टल। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री किसके पास है और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, बताओ फटाफट, उमंग विवेक, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड शिपिंग,
इन कौन से मिनिस्टर हैं, श्रेया वंदिता ये कौन से मिनिस्टर हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, फटाफट बताओ, कमेंट में लिख के बताओ। कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, नितिन गडकरी, नागपुर। एग्जैक्टली याद रखना, नागपुर सबसे मेन इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको याद रखनी है, ठीक है। नितिन गडकरी, अच्छा नितिन गडकरी के पास एक और मिनिस्ट्री है, कौन सी? नितिन गडकरी के पास एक और मिनिस्ट्री है, विवेक, वंदिता, उमंग, बताओ। नितिन गडकरी के पास एक और मिनिस्ट्री है, वो कौन सी मिनिस्ट्री है, फटाफट बताओ। नितिन गडकरी के पास और कौन सी मिनिस्ट्री है इसके अलावा? नहीं पता, ठीक है, देख लो। उनके पास है एमएसएमई, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री, ठीक है वंदिता, एमएसएमई याद रखना, अब पता कर लो, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, इनकी वजह से आज नागपुर में मेट्रो आई है। ओके ओके, आप नागपुर से बिलोंग करते हो विवेक, ठीक है, तो याद रखना एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री, ठीक है याद रखना दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट क्यों मूव करते हैं, अब हमारा आ गया एमसीक्यूज, अब एमसीक्यू के ऊपर डिस्कस करते हैं, फटाफट जवाब देना है इसका, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना इसे, फटाफट बोलते चलो। यस बैंक विल रिज्यूम इट्स फुल बैंकिंग सर्विस फ्रॉम विच डेट, यस बैंक किस तारीख से अपनी पूर्ण बैंकिंग सेवा फिर से शुरू करेगा, फटाफट बताओ। अच्छा बताओ विवेक, फटाफट जवाब दो, वंदिता, श्रेया, ठीक है, यस बैंक अपनी फुल बैंकिंग सर्विस किस दिन से वापस से रिज्यूम करेगी? अभी तो बैन लग गया था, 18 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च, 21 मार्च, 18, 18, 18, सब लोगों के जवाब आ रहे हैं क्या? 18 मार्च, एग्जैक्टली याद रखना, इनका इसका आंसर होगा फर्स्ट 18 मार्च, यानी कि 19 ऑनवर्ड, ऐसे याद रखना, 19 मार्च से ये एज इट इज हो जाएगा, पिछली की तरह, यानी पहले की तरह। और दोस्त आपको बता दें, यस बैंक ने ये ट्वीट करके बोला है, यस बैंक ने ये ट्वीट किया है कि 19 तारीख से सब कुछ वैसे ही हो जाएंगी और सारी डिजिटल सर्विसेज एज इट इज चलने लगेंगी, सारी की सारी डिजिटल सर्विसेज। आपको पता होगा अभी क्या कि यस बैंक का टाई अप था किसके साथ, फोन पे के साथ, लेकिन फोन पे ने इस टाई अप को तोड़ दिया और किसके साथ कर लिया अब, ICICI के लिए साथ, किसके लिए, तो UPI के लिए। देखो आप पहले पैसा भेजते थे, हाँ सर न्यूज में भी है, एग्जैक्टली विवेक ये न्यूज में चल रहा है, ठीक है, ये बोला भी गया था, ठीक है, लेकिन इन्होंने एक्चुअली में इसको ट्वीट करके बोला है, ठीक है, याद रखना यूपीआई के लिए इन्होंने किसके साथ कर लिया है, ICICI के साथ वापस से टाई अप कर लिया फोन पे। अच्छा हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फोन पे, बताओ फटाक से, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फोन पे, हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था, एक सेशन में डिस्कस किया था फोन पे का ब्रांड एम्बेसडर, बताओ हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फोन पे, श्रेया, विवेक, आमिर खान, उमंग, आमिर, एग्जैक्टली वंदिता, ये आमिर खान याद है, वो एडवर्टीजमेंट आता था गबलू वाला, गबलू, ठीक है, तो वही याद रखना, फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर है आमिर खान, याद रखना इतनी बात। और 18 तारीख से 18 मार्च तक ये रहेगा, 19 से ये वापस से स्टार्ट हो जाएगा, वापस से सर्विस को रिज्यूम कर देंगे ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, यस बैंक अभी, अच्छा ये अभी बात हो रही थी यस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने, फटाफट बताओ, यस बैंक के एमडी एंड सीईओ, अभी हमने बात किया भारत पे सलमान खान, एग्जैक्टली विवेक, एमडी एंड सीईओ कौन है यस बैंक के, फटाक से बताओ, हु इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ यस बैंक, अभी हमने जस्ट बात किया इसके पहले जब डिटेल में लिख रखा था हमने इंपॉर्टेंट न्यूज, बताओ प्रशांत कुमार, एग्जैक्टली ये याद रखना, हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं आपसे ताकि आपको जवान पर सेट हो जाए, आपके जहन में सेट हो जाए और आपको आसानी से सारी चीजें याद हो सके, एग्जैक्टली श्रेया, विवेक, सब प्रशांत कुमार, एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाए गए कौन, तो उनका नाम है सुनील मेहता, पंजाब नेशनल बैंक वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, हमारा क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड टू स्कीम्स सी मैस्ट एंड सी मैट टू बेनिफिट द स्पोर्ट्स पर्सन एंड आर्टिस्ट इन द स्टेट, बताओ फटाफट से, ठीक है, किस राज्य सरकार ने राज्य में खिलाड़ियों और कलाकारों को लाभ पहुंचाने के लिए दो योजनाएं सी मस्ट या सी मैस्ट, ऐसे याद रखना, एंड सी मैट की शुरुआत की है,
आपके ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, असम, नागालैंड। याद रखना दोस्त, ऐसे याद रखना, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको दिया जाएगा, स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाएगा जिनकी एज 50 साल उसके ऊपर की है, ठीक है, 50 साल उसके ऊपर की जिनकी एज है उनको पेंशन दिया जाएगा, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन में। और दोस्त जो आर्टिस्ट है, जो आर्टिस्ट है जिनकी एज 60 साल उसके ऊपर की हो गई है उनको पेंशन दिया जाएगा। और ये लाने वाला स्टेट है आपका, ऑप्शन आपका बी है, यानी कौन सा, मणिपुर। मणिपुर ऐसा करेगा दोस्त, याद रखना, स्पोर्ट्स पर्सन, याद रखना, स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट को 60 साल के बाद, स्पोर्ट्स पर्सन को 50 साल के बाद पेंशन देगा, ठीक है। स्पोर्ट्स ऐसे याद रखना, जो स्पोर्ट्स पर्सन होगा उसके लिए स्कीम है सी मस्ट स्कीम है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, और सी मैट है किसके लिए, आर्टिस्ट के लिए, ठीक है। हेलो सारिका, हाय विवेक, एमसी मैरीकॉम इज फ्रॉम मणिपुर, एग्जैक्टली एमसी, और ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स पर्सन यहीं से निकलते हैं, ठीक है। और आर्टिस्ट भी, आर्टिस्ट ज्यादा तो नहीं आइडिया मेरे को, बसरते हाँ इनका ये मानना है कि जो आर्टिस्ट होंगे उनको भी देंगे 60 साल के बाद, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन को 50 साल के बाद ही हम देंगे, ठीक है। अब बात आई दोस्त सी मस्ट का पूरा नाम, सी मस्ट का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम याद रखना, सी एम से सी एम हो जाएगा, सी मस्ट से सी एम से सी एम, यानी चीफ मिनिस्टर, ऐसे याद रखना, चीफ मिनिस्टर सेनराइजिंग, ऐसे अखनब्बा, ऐसा थोड़ा अटपटा नाम है इसका, अखनब्बा सेनराइजिंग सेनराइजिंग टेन बैंक, ऐसे करके नाम है इसका, इन लोग ये मणिपुरिया लैंग्वेज में है, अजीब टाइप का है, ठीक है। तो याद रखना ये स्पोर्ट्स पर्सन है, इन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इसके अंडर में दिया गया, और सी मैट के तहत दिया जाएगा आर्टिस्ट को। सी मैट का पूरा नाम क्या है, तो सी एम से हो जाएगा चीफ मिनिस्टर, और ए से हो जाएगा आर्टिस्ट, ऐसे याद रखना, आर्टिस्ट एंड सिंगी टेंगबैंग, ये नाम है, थोड़ा अटपटा नाम है इसका, सी मैट का टेंगबैंग। उत्तरण स्कीम भी प्लेयर्स के लिए थी, ये तो अलग ही है सी मैट, यस यस वंदिता, ये बिल्कुल अलग है, ये दूसरा स्कीम है, सी मैट अभी रिसेंटली में लॉन्च किया गया, सी मैट एंड सी मस्त, याद रखना कहां पे, मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर की सीएम कौन है, फटाफट बताओ। अब आ जाओ स्टैटिक के टॉपिक पे, मणिपुर के सीएम, हु इज द सीएम ऑफ मणिपुर, मणिपुर के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, सीएम एंड गवर्नर बताओ फटाफट। एग्जैक्टली यहां के सीएम है एन बीरेन सिंह, चलिए अच्छी बात है, पता है। और यहां के गवर्नर कौन है बताओ श्रेया, यहाँ के गवर्नर कौन है, नजमा हेप्तुल्ला, याद रखना इनका नाम क्या है, नजमा हेप्तुल्ला यहाँ की क्या है, गवर्नर है, ठीक है। अच्छा दोस्त याद रखना, यहाँ की मणिपुर की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर, मणिपुर की कैपिटल क्या है, विवेक चंद्रिका आ जाओ बहुत लेट आए, ठीक है। श्रेया बताओ, उमंग वंदिता, मणिपुर की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर, विवेक इम्फाल, श्रेया सिलोंग, उमंग सिलोंग, किसकी बात माने हम, चंद्रिका इम्फाल, क्या चल रहा है भाई ये सब बताओ, कौन सही जा रहा है, ठीक है बताओ, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल, एग्जैक्टली इम्फाल ही है, ठीक है इम्फाल, ऐसे याद रखना दोस्त मणिपुर। अच्छा मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक लेक, कौन सा लेक, लोकटक लेक, और इसी लोकटक लेक के ऊपर वर्ल्ड की एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, क्या नाम है उसका, ये फटाक से बता के बताओ, इसी लोकटक लेक के ऊपर दुनिया की एक तैरती हुई झील है, उस झील का नाम क्या है वो, यानी कि ओनली फ्लोटिंग, ऐसे याद करना, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में एकमात्र है, उस लोकटक झील के ऊपर ही तैरती रहती है, बताओ उसका नाम क्या है, फटाक से बताओ, ठीक है। उस लोकटक
इम्फाल। कमल सर आपका स्वागत है। ठीक है, बताइए फटाक से, मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक लेक। ठीक है, बताओ नौक्रेट वंदिता नहीं, केबुल लाम जाओ, याद रखना केबुल लाम जाओ, केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क। ये कहां पे है? ये मणिपुर में, याद रखना एग्जैक्टली श्रेया लाम जाओ, केबुल लाम जाओ वंदिता, याद रखना केबुल लाम जाओ। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी नेशनल पार्क है जो पानी के ऊपर एक झील में तैर रही है। ठीक है उमंग, एग्जैक्टली आंसर इज मध्य प्रदेश। किस स्टेट में फ्लोट टेस्ट होगा? विच स्टेट चीफ मिनिस्टर विल फेस अ फ्लोट टेस्ट ऑन मार्च 17, 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री का फ्लोट टेस्ट होगा? यानी कि इन्होंने अपने मेजोरिटी शो करनी है विधानसभा में। अगर मेजोरिटी नहीं दे पाए विधायकों की तो इनकी सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो आपके ऑप्शन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तो सभी को पता होगा इस समय मध्य प्रदेश, क्योंकि दोस्त आपने जानते होंगे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, एग्जैक्टली ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पूरी ताम तमड़ा लेके लगभग 20 विधायकों को लेके चले गए, किसमें? बीजेपी में। तो अब इनके यहाँ माइनॉरिटी वाले लोचे हो गए, यानी कि इनके बहुमत पेश करना होगा, इनको फ्लोर टेस्ट से गुजरना होगा। यहाँ के सीएम कौन है? जैसा कि सब जवाब दे रहे हो, कमलनाथ। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। दोस्त याद रखना भोपाल, ऐसे याद रखना भोपाल एयरपोर्ट का नाम है भोज एयरपोर्ट, और भोपाल मेट्रो का नाम है भोज मेट्रो। एमपी पॉलिटिक्स इज बैड फॉर डेमोक्रेसी, नो नीड टू टेक इलेक्शन। अच्छा सर आज होना है बट कंफर्म नहीं है, लालजी टंडन। एग्जैक्टली यहाँ के गवर्नर कौन है? तो लालजी टंडन, लालजी टंडन यहाँ के क्या है? गवर्नर है। दोस्त याद रखना एमपी से बड़े सारे न्यूज हाईलाइट होते हैं। मध्य प्रदेश में अभी नमस्ते ओरछा एक इवेंट हुआ था, नमस्ते ओरछा, मेरी बात ध्यान से देना, ये इवेंट आपसे फेस्टिवल के तौर पर पूछे जाते हैं, नमस्ते ओरछा, ये कहां पर हुआ? मध्य प्रदेश में। और दोस्त एक और फेस्टिवल अभी ऑर्गेनाइज किया गया था, इट्स मांडू फेस्टिवल। मांडू फेस्टिवल भी कहां मनाया गया? तो मध्य प्रदेश में ही मनाया गया। कौन सा फेस्टिवल? मांडू फेस्टिवल, याद रखना। महाकालेश्वर एंड ओमकारेश्वर टू ज्योतिर्लिंग, एग्जैक्टली याद रखना, ऐसे इसको तो याद ही रखना है बिट्टू, बहुत सारे क्वेश्चन हाईलाइट होते हैं यहाँ पे, ऐसे ध्यान रखना। एमपी ही है, एमपी में ढेर सारे नेशनल पार्क हैं, एग्जैक्टली कान्हा, पन्ना, माधव। ठीक है, कान्हा, पन्ना, माधव एंड बंधवगढ़। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व, ये सब किस स्टेट में है? ये सारे के सारे, हाँ एक फॉसिल नेशनल पार्क भी है सर इसका, सारी का एग्जैक्टली, ये सब किस स्टेट में है? तो ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में, याद रखना दोस्त। मध्य प्रदेश याद रखना एक सतपुरा, एग्जैक्टली सतपुरा थर्मल प्लांट भी है। ठीक है, सतपुरा थर्मल प्लांट आपका, संजय नेशनल पार्क, ये भी है वंदिता, वेरी गुड। याद रखना ऐसे सारी चीजें रिकॉल करोगे तो आपको याद हो जाएगा, सारे नेशनल पार्क याद हो जाएंगे पर्टिकुलर उस स्टेट के, और जितने भी न्यूज बन रहे हैं उस स्टेट से, मध्य प्रदेश से, उस सभी न्यूज को आप अपडेट कर लो। इससे क्या होगा, आपको स्टैटिक वाले सेक्शन ऐसे ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। और रही बात करंट की, तो करंट आप अपडेट करते ही रहो, आपकी अच्छी आप भी देख रहे हो, आप भी लोग जवाब दे रहे हो यहाँ पे। तो ये था आपका मध्य प्रदेश स्टेट से इतने क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर टू द जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी कि जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल जीसी मुर्मू के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है शहबाज अहमद, बसीर खान, तारिक अख्तर, अक्जर हो गया यहाँ पे, तारिक अख्तर एंड शरद यादव, ऑप्शन बी, चंद्रिका बी, दीपक कुमार बी। ठीक है, और कहां गए? सरिका, बसीर खान। अच्छा याद करना एग्जैक्टली इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है दोस्त याद रखना बी, बसीर खान। बसीर खान को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किसका सलाहकार नियुक्त किया है? तो दोस्त याद, डी नहीं है विवेक, इट्स बी, बसीर खान, डी में शरद यादव हो जाएंगे, ये नहीं है। बसीर खान को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया है, तो इनको सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया है, कहां का? तो दोस्त याद रखना जम्मू एंड कश्मीर का। अच्छा एक चीज और याद करना, बात है जेएनके के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? जीसी मुर्मू। अच्छा लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है?
लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? फटाफट जवाब दो जल्दी जल्दी, ठीक है। तानसेन फेस्टिवल, विवेक अग्रवाल ग्वालियर। विवेक एक चीज और याद रखना, आप लोग सभी लोग हमने बताना भूल गए क्या कि एक चीज याद रखना, मध्य प्रदेश में दो अवार्ड बड़े फेमस है जो दिए जाते हैं। एक अवार्ड है जिसका नाम है सरस्वती सम्मान और एक अवार्ड है जिसका नाम है व्यास सम्मान। ये दोनों मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं और एक फाउंडेशन है जिसका नाम है के बिरला फाउंडेशन, उसी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, वो भी एमपी गवर्नमेंट में ही आता है। एग्जैक्टली लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर, राधा कृष्ण माथुर। एग्जैक्टली सभी के आंसर सही आ रहे हैं, बहुत अच्छा। आर के माथुर और जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जी सी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू एंड कश्मीर से एक नेशनल पार्क का नाम बताओ, एक नहीं दो नेशनल पार्क का नाम बताओ। दो तो बता ही सकते हो, बहुत इजी इजी है। आपको हम बता दे रहे हैं लद्दाख में, लद्दाख नेशनल पार्क का नाम याद रखना, एक नाम है हेमिस, बड़ा न्यूज में रहता है हेमिस, स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। नासिरा शर्मा, एग्जैक्टली चंद्रिका, व्यास सम्मान। क्वेश्चन ये था अगर व्यास सम्मान कौन सी स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो आपको याद रखना है एमपी गवर्नमेंट, के बिरला फाउंडेशन, ऐसे याद रखना एमपी गवर्नमेंट से कोरिलेट करके। हेमिस नेशनल पार्क ये है लद्दाख का, याद रखना ये लद्दाख की नेशनल पार्क है। हमने बोला कि दो नेशनल पार्क का नाम बताओ जो जे एंड के से बिलोंग करते हैं। एक है सलीम अली, सभी को पता होगा सलीम अली नेशनल पार्क, और सलीम अली बर्ड सेंचुरी आएगा तो गोवा लेके चले जाना, लेकिन यहां पे है सलीम अली नेशनल पार्क है, तो ये जाएगा आपका कहां पे, लीलाधर जागड़ी 2018 व्यास सम्मान। एग्जैक्टली ठीक है, तो आते हैं आगे में बताना। महाकाल एक्सप्रेस, वेरी गुड विवेक, बहुत अच्छा। इंदौर वाराणसी, उज्जैन वाराणसी, ऐसे याद रखना उज्जैन वाराणसी, काशी महाकाल एक्सप्रेस। उज्जैन वाराणसी को चला है काशी महाकाल एक्सप्रेस, ठीक है। कोई नहीं, बताओ अभी एक तो हो गया सलीम अली नेशनल पार्क हो गया, जम्मू एंड कश्मीर के एक और नेशनल पार्क का नाम बताओ। गोवा, सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में होगा, हमने वहां का पूछ रहे हैं, फटाफट बताओ। जम्मू एंड कश्मीर का किस्तवार, एग्जैक्टली घनश्याम कहां थे अभी तक, किस्तवार नेशनल पार्क कहां पे है, तो वो है याद रखना, और वो भी जम्मू एंड कश्मीर में। और एक और याद रखना दोस्त, दच्चीगम, ऐसे लिखते हैं दच्चीगम नेशनल पार्क, ये भी कहां पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो इतनी बातें याद रखना, आपको याद रखना होगा ये सब, इससे बार बार इसलिए बुलवाते हैं हम आपसे ताकि आपको एक बार दो बार तीन बार देखोगे तो ऑप्शन देख के टिक कर लोगे, ठीक है। कोई नहीं, घनश्याम अच्छी बात है, देश है, देर है, दुरुस्त है दोस्त। फटाफट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जल शक्ति मिनिस्ट्री, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा भारत में, सॉरी जल शक्ति मंत्री के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जल शक्ति मिनिस्टर, ग्राउंड वाटर इन इंडिया इज कंटामिनेटेड विथ विच केमिकल एलिमेंट, बताओ फटाफट। क्या जल शक्ति मंत्री के अनुसार भारत में भूजल किस रासायनिक तत्व से दूषित हो रहा है या हो गया है, बताओ। चंद्रिका दच्चीगम, किस्तवार, हेमिस लद्दाख में, सलीम अली एग्जैक्टली सब जे एंड के में, बस हेमिस को हटा दो, हेमिस लद्दाख में जाएगा। श्रेया, विवेक, विवेक लिट बोले हैं, श्रेया और यूरेनियम एंड चंद्रिका बी यूरेनियम, और फटाफट और लोग जवाब दो। घनश्याम सर, उमंग कहां चला गया, दीपक ये बताओ फटाफट से, किस जल की किस केमिकल एलिमेंट की वजह से गड़बड़ हो रहा है, यूरेनियम, यूरेनियम सबका यूरेनियम जवाब आ रहा है, तो हम भी यूरेनियम के साथ ही चलेंगे, यानी कि आंसर क्या होगा आपका, बी यूरेनियम। दोस्त याद रखना यूरेनियम कहा जा रहा है, एक आंकड़े के अकॉर्डिंग टू जल शक्ति मिनिस्ट्री कहा यह जा रहा है 30 माइक्रोग्राम पर लीटर में जा रहा है यूरेनियम, जो बहुत हजार्डस है हमारे, ठीक है, हमारे लिए बहुत हजार्डस है। क्या ये यूरेनियम 30 माइक्रोग्राम जा रहा है पर लीटर में, एक लीटर पानी पीने पर 30 माइक्रोग्राम हमारे इस बॉडी में यूरेनियम जा रहा है। दोस्त याद रखना इसको जल शक्ति मिनिस्ट्री ने बोला, जल शक्ति मिनिस्ट्री, आप सभी को पता होगा जल शक्ति मिनिस्ट्री पीएम मोदी ने 2019 में नई मिनिस्ट्री क्रिएट की है, जल शक्ति मंत्रालय। इस जल शक्ति मिनिस्टर कौन है, हु इज द जल शक्ति मिनिस्टर, हाँ अटल भूजल योजना तो लाया गया, लेकिन हम यहाँ क्वेश्चन ये कर रहे हैं उमंग सारिका गजेंद्र सिंह शेखावत, उमंग गजेंद्र सिंह शेखावत एग्जैक्टली, रतनलाल कटारिया, श्रेया याद रखना रतनलाल कटारिया मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट,
जल शक्ति मिनिस्ट्री, याद करिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, हम कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में पूछ रहे हैं। जल इन्होंने याद रखना, रतन लाल कटारिया ने ये बात तो कही है, नो डाउट ये बात रतन लाल कटारिया ने ही बोला है, 30 माइक्रोग्राम पर लीटर में जा रहा है यूरेनियम। लेकिन हमने क्वेश्चन ये पूछा है जल शक्ति मिनिस्टर कौन है, कैबिनेट मिनिस्ट्री किसके पास है जो 2019 में बनी, तो सबके आंसर आया है क्या, गजेंद्र सिंह शेखावत। एग्जैक्टली अच्छा, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम तो आ गया, आप ये बताओ गजेंद्र सिंह शेखावत की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। हमने बोलते हैं जब भी किसी मिनिस्टर का नाम लो आप तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको पता होनी चाहिए। एग्जैक्टली उमंग, रतन लाल कटारिया मिनिस्टर ऑफ स्टेट है बाबू, याद रखना, जिन्होंने ये बात कही है कि रासायनिक तत्व से दूषित है हमारे पानी। लेकिन हम क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, ठीक है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम क्या है जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत के, फटाफट देख के बताओ। एमपी, मध्य प्रदेश नहीं, ये है राजस्थान से, राजस्थान से तो है लेकिन राजस्थान से किस जगह से है? चलो इतना क्लू दे दिया हमने, अभी बताओ दीपक की राजस्थान के किस जगह से है ये गजेंद्र सिंह शेखावत, फटाफट बताओ राजस्थान के किस जगह से है गजेंद्र सिंह शेखावत। कोटा नहीं, कोटा से नहीं है दीपक, कोटा से है कौन, हमारे लोकसभा के स्पीकर साहब ओम बिरला, वो कोटा से है, राजस्थान से। घनश्याम दुबे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सारिका अग्रवाल, जोधपुर, एग्जैक्टली सबका आंसर सही है, क्या होगा, जोधपुर से। इसीलिए बार बार डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करने से क्या होगा, आपको याद होगा स्पीकर जो है ओम बिरला लोकसभा के, वो कोटा से है, याद रखना ओम बिरला कोटा से है। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत जी एस बाई सतन सिंह, आपका स्वागत है सर, जोधपुर से है एग्जैक्टली, ठीक है जोधपुर, आपको याद रखनी इतनी बातें। जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी राजस्थान के जोधपुर में। अब बात आई दोस्त राजस्थान, राजस्थान से चलते चलते एक दो क्वेश्चन पूछते चलते हैं। राजस्थान के गवर्नर कौन है, पहला क्वेश्चन बताओ फटाफट, हु इज द गवर्नर ऑफ राजस्थान, ठीक है। अच्छा अनअकैडमी प्लस पर भी पढ़ाता हूँ, ओके सर अच्छी बात है। हमने अशोक गहलोत इस सीएम चीफ मिनिस्टर कहा जा रहा है ये कि बहुत जल्दी, जैसे मध्य प्रदेश में ऐसा आया वैसे ही राजस्थान में देखने को मिलेगा, वहां भी फ्लोर टेस्ट करना होगा अशोक गहलोत को। लेकिन फिर भी ये हमारा मुद्दा नहीं है, चलो हम एग्जैक्टली सारिका कलराज मिश्र। अच्छा अब बात है राजस्थान की, तो राजस्थान से ऐसे याद रखना, राजस्थान के दो या तीन नेशनल पार्क का नाम बता दो, फटाफट बता दो, आगे चलते हैं। अब जानते हो कहते ना वो तकिया कलाम हो जाता है नेशनल पार्क, तो वही है मेरा चीज इस समय, आप बताओ कि दो नेशनल पार्क का नाम बताओ, दो या तीन नेशनल पार्क तो आसानी से बता सकते हो, बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, तीन का नाम बताओ, तभी मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीपक, चंद्रिका, घनश्याम, श्रेया, फटाफट बताओ। सारिका, सत्यन सर, फटाफट बताओ कि तीन नेशनल पार्क का नाम बताओ। रणथंभौर, वेरी गुड श्रेया और विवेक, रणथंभौर अच्छी बात है, एक हो गया रणथंभौर, दूसरा अरे यार बोलो फटाफट, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या सरिस्का बर्ड सेंचुरी, चलो वंदिता वेरी गुड, दो दो हो गए, ठीक है रणथंभौर, सरिस्का एंड भरतपुर बर्ड सेंचुरी, एग्जैक्टली। और एक और याद रखना, हमने तीन पूछा तो तीन तो बता दिया आप लोगों ने बारी बारी, ऐसे याद रखना एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है याद रखना, केवलादेव, सरिस्का, कुकुंद्रा हिल्स डेजर्ट, एग्जैक्टली सब याद रखना। अब देखो याद रहेगा, फिर से सुन लो मेरी बात, रणथंभौर, ठीक है याद रखना, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का बर्ड सेंचुरी, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है याद रखना इतना नाम, डेजर्ट नेचुरल नेशनल पार्क ये भी वहीं पर है डेजर्ट, ठीक है ये भी कहां पे है, राजस्थान में। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है राजस्थान से, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू पार्टनर विथ अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी सेज फॉर सेटिंग अप वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग सुविधा स्थापित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ के साथ साझेदारी करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बनी है या कौन सी है। उमंग, स्पाइस जेट, वेरी गुड उमंग, क्या बात है। दीपक सर, सी ऑप्शन यानी कि स्पाइस जेट, और लोग वंदिता इंडिगो, उमंग, स्पाइस जेट, स्पाइस जेट, दीपक सर, श्रेया, स्पाइस जेट, एग्जैक्टली हम भी चलेंगे किसके साथ, स्पाइस जेट के साथ। स्पाइस जेट का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो दोस्त याद करें स्पाइस जेट का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में,
अच्छा गुरुग्राम से याद आया, मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है बताओ, गुरुग्राम में एक और चीज का हेडक्वार्टर है जो पूरी दुनिया में बड़ा फेमस है और हम आपको बताते चल रहे हैं, सुनना, कहा गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इन दोनों के बीच में जो देश है वो उसके मेंबर बन सकते हैं। अब बताओ दो किसका हेडक्वार्टर है, फटाफट बताओ, चंद्रिका, सारिका, घनश्याम, अमेजॉन, अमेजॉन का नहीं है यार, हमने क्या बोला, पढ़ो पूरा दीपक, क्या हमने बोला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जितने देश हैं वो उसके मेंबर बन सकते हैं, उसी का हेडक्वार्टर कहां पे है, गुरुग्राम में। वंदिता सोलर, सारिका अग्रवाल, इंडियन सोलर, इंडियन नहीं इंटरनेशनल, आईएसए, वेरी गुड, ये देखो जवाब आ गया सबका, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, गुरुग्राम में। अभी प्रेजेंट टाइम पे कितने मेंबर हैं इसके, हाउ मेनी मेंबर ऑफ आईएसए एट प्रेजेंट, ठीक है सारिका बताओ, हाउ मेनी मेंबर ऑफ आईएसए, चेयरमैन नरेंद्र मोदी, एग्जैक्टली, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बताओ अभी प्रेजेंट टाइम पे कितने इसके मेंबर हैं, 73, सारिका शो 73 है, सही बता रहे हो, बताओ घनश्याम, मंदिता कहां गए, दीपक, चंद्रिका, फटाफट बताओ कितने कंट्रीज के मेंबर हैं, हाउ मेनी कंट्री मेंबर ऑफ आईएसए इंटरनेशनल सोलर, श्रेया 120 नहीं, बहुत ज्यादा बताओ, घनश्याम 55, ये भी नहीं है, गलत है, सबके जवाब गलत आ रहे हैं, डाउट लग रहा है सारिका, डाउट ही है, और बढ़ो, वंदिता भारद्वाज 123, सही बता रहे हो आप, 83 घनश्याम, घनश्याम बहुत हद तक सही है, 83 याद रखना घनश्याम सर, अब 84 हो गए, 84 लास्ट में इरिट्रिया और सेंट किटीज ऐड हुए हैं, याद रखना लास्ट में इरिट्रिया और सेंट किटीज ऐड हुआ है, ऐसे याद रखना, इरिट्रिया, इरिट्रिया एंड सेंट किटीज, सेंट किटीज ये दोनों ऐड हुए हैं, 83 बोला जा रहा है एक कंट्री और, 84 हो गए, 84 कंट्रीज के मेंबर हैं, ठीक है याद रखना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। स्पाइस जेट, स्पाइस जेट के सीईओ कौन है, तो इनका नाम है दोस्त याद रखना, स्पाइस जेट के सीईओ अजय सिंह, अजय सिंह इसके क्या है, सीईओ है, आईएसए 84 एग्जैक्टली चंद्रिका, ठीक है घनश्याम सर आप अपडेट कर लो, एक एक मेंबर और बढ़ा लो, 84 कर लो आप, ठीक है चंद्रिका एग्जैक्टली सही है, 84 कंट्रीज इसके मेंबर है आईएसए की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। स्पाइस जेट अजय सिंह इसके सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है स्पाइस जेट के, और दोस्त याद रखना स्पाइस जेट इंडिया की, ऐसे याद रखना, सेकेंड लार्जेस्ट एयरलाइन इन कंट्री, ऐसे याद रखना सेकेंड लार्जेस्ट एयरलाइन इन कंट्री, और चीप, ऐसे याद रखना सस्ती एयरलाइन है स्पाइस जेट, सबसे सस्ती है, हम लोग जब टिकट बुक कराते हैं एयरलाइंस के फ्लाइट के, तो आपने गौर किया होगा, देखा होगा आप सबसे ऊपर में सबसे सस्ता वाला दिखता है, ठीक है तो वही चीज है याद रखना, ऐसे तो सबसे सस्ता है इंडिया का, सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन है कौन, स्पाइस जेट, आपको याद रखनी इतनी बातें, ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्यों मूव करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन कौन है, अगला क्वेश्चन है द वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल इंपोज्ड $10 million इन फाइन ऑन द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ विच कंट्री फॉर डोपिंग स्कैंडल, ठीक है रेड हॉट स्पाइटी इज अ टैगलाइन, अच्छा ठीक है एनीवे, विश्व एथलेटिक्स परिषद ने डोपिंग घोटालों के लिए किस देश के एथलेटिक्स महासंघ पर $10 million का जुर्माना लगाया है, फटाफट बता दो यार इसका जवाब, आपने हमें बताया था इसके ऊपर बैन किया था वाडा ने, जो सुनने में आ रहा है थोड़ा रिलैक्स कर रहा है, यानी कि रिलैक्सेशन दे रहा है, सुनने में आ रहा है अभी हुआ नहीं है ऐसा, लेकिन इसके ऊपर वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल ने ठोक दिया इसके ऊपर $10 million की पेनाल्टी, ठीक है मेहुल बहुत लेट आए, ठीक है आ जाओ फटाफट, ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा, रशिया, सबके जवाब सही है, विवेक, श्रेया, दीपक, चंद्रिका, उमंग, ठीक है सारिका, मेहुल, सबके जवाब सही है, इट्स रशिया, रशिया में याद रखना, रशिया के ऊपर इन्होंने $10 million का पेनाल्टी ठोका, किसने, वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है दोस्त, इसका हेडक्वार्टर है मोनाको,
आपको मजेदार चीज है, याद रखना वर्ल्ड एथलेटिक काउंसिल जिसको हम लोग बोलते हैं IAAF के नाम से भी जाना जाता है, IAAF के नाम से जाना जाता है। IAAF का पूरा नाम है क्या? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। मोनैको की कैपिटल बता दो फटाफट, व्हाट इज इसका हेडक्वार्टर है मोनैको में, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मोनैको। और आपको बता दें इसका लोग शर्ट भी पहनता है, मोनैको की जो कैपिटल का नाम है उसी का लोग शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं। बताओ फटाफट मोनैको की कैपिटल क्या है, उसी का लोग शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, उसका एक ब्रांड है। इतना क्लू दे रहे हैं यार, बताओ तो एग्जैक्टली से है मोंटी कार्लो। मोंटी कार्लो मोनैको, याद रखना मोंटी कार्लो इसका क्या है, इसकी कैपिटल है मोंटी कार्लो, ठीक है। और यहां की करेंसी क्या है, तो यहां की करेंसी है यूरो। करेंसी क्या है, यूरो है। मोंटी कार्लो की करेंसी है यूरो, यानी कि यहां की। और मोनैको का सबसे बड़ा स्टेट या शहर कह लो मोंटी कार्लो, ये यहां की कैपिटल है। अच्छा, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, इसी को बोलते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर मोनैको में है। और प्रेजेंट टाइम पे इसके 214 मेंबर है, 214 इसके मेंबर है। एंड दोस्त इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो इनके प्रेसिडेंट का नाम है सेबेस्टियन कोई। इसके क्या है, इसके प्रेसिडेंट है। मोनैको बिस्किट भी है, अच्छा कोई नहीं, अच्छी बात है, वो मोनैको है कि मोनैको ही है, ठीक है, जो भी है याद रखना। सेबेस्टियन कोई इसके क्या है, प्रेसिडेंट है किसके, IAAF के, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के, जिसको वर्ल्ड एथलेटिक काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1912 में। इसकी स्थापना हुई है 1912 में, 1912 में। इसकी करेंसी है मोनैको, याद रखना मोनैको की करेंसी है यूरो। अच्छा, बात आई थी रशिया की, रशिया की कैपिटल मॉस्को, सबको पता होगा। रशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर व्लादिमीर पुतिन अब दो से कितने साल तक प्रेसिडेंट रहेंगे, अभी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए हैं, 2036 तक, बाप रे, 2036 तक ये रहेंगे, क्या प्रेसिडेंट रह सकते हैं, कौन, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स दुनिया के सबसे सबसे पावरफुल लीडर के तौर पर उभर के सामने आए हैं, और अभी हैं भी, इनके पास पावर ज्यादा है। और फीमेल में है एंजेला मॉर्केल, सब चेंज कर दिया मामला इन्होंने, एग्जैक्टली शेयर सब कुछ, और ये हमेशा से ऐसा ही करते आए हैं व्लादिमीर पुतिन। हमने कल वाले केजीबी एग्जैक्टली उमंग, यही क्वेश्चन था मेरा, ये व्लादिमीर पुतिन किस सीक्रेट एजेंसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो याद रखना इनका इनका नाम है केजीबी। और मेहुल एग्जैक्टली यहां के प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मित्सुसेन, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के मिखाइल मित्सुसेन, यहाँ के पीएम है। पहले डोनाल्ड व्लादिमीर पुतिन भी एक प्राइम मिनिस्टर ही थे, बाद में प्रेसिडेंट बने, तो अभी पीएम कौन है, मिखाइल मित्सुसेन, ठीक है, याद रखना इतनी बातें। और रशिया की करेंसी है रूबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हु वॉन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल ऑफ ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 का महिला एकल खिताब कौन जीता, ठीक है, फटाफट बताओ, हु वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020। ऑप्शन सी कौन है, दीपक कुमार ने जवाब दिया ऑप्शन सी, सारिका ताइस जू यिंग। अच्छा, जो जवाब दे रहे हैं वो ये भी बताएं कि किस कंट्री से है ये, मेरी बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कॉमन होगा, बिलोंग्स टू विच कंट्री, जो आंसर होगा वो कौन से कंट्री से है। ए विवेक अग्रवाल, युकी फुकुशिमा, जी नहीं विवेक, गलत है, ये ऑप्शन सी ही होगा, ताई जू इंग। और ये किस कंट्री से है, तो इनकी कंट्री का नाम है, फटाक से बताओ इनकी कंट्री का नाम क्या है, ताइवान, एग्जैक्टली, ये किस कंट्री से है, ताइवान से है। अच्छा, मेल कौन जीता है इसी का,
इसी का मेल, वुमेन सिंगल है तो यहां मेन सिंगल्स की बात करें, मेन सिंगल कौन जीता बताओ, मेल सिंगल कौन जीता, इसका कोई जवाब दोगा, होगा फटाफट बताओ, कोई दे भाई, मेल सिंगल कौन जीता, बीट किया चाइनीज को एग्जैक्टली, लेकिन इसका मेल विनर कौन है मेल सिंगल्स में, जैसे ये वुमेन सिंगल है तो पता चल गया टाई जू इंग, मेल कौन है वेक्टर, एग्जैक्टली ऐसे याद रखना वेक्टर, नाम याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, सारी का थोड़ा अटपटा नाम है वेक्टर एलेंसन, एग्जैक्टली एक्सलेंसन, ऐसे थोड़ा अटपटा नाम है, घनश्याम सही है, वेरी गुड, याद रखना इनका नाम है वेक्टर, वेक्टर एक्सेल एक्सलसन, वेक्टर एक्सलसन, ठीक है, ये कहां से है तो ये याद रखना, ये किस कंट्री से है तो ये है डेनमार्क से, ये है डेनमार्क से, वेक्टर एक्सलसन डेनमार्क से, इन्होंने मेल सिंगल्स टाइटल को अपने नाम किया इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 में, और फीमेल में है टाई जू इंग, जिन्होंने वुमेन सिंगल को अपने नाम पर किया, ठीक है, आपने याद रखनी इतनी बातें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करें, वेयर इज द नुमालीगढ़ रिफाइनरी लोकेटेड, अभी ये न्यूज में है, नुमालीगढ़ याद रखना, नुमालीगढ़ है, रुमालीगढ़ नहीं है, हाँ ये इंग्लैंड में ही हुआ, इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ, कहां पे, इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ, क्या तो इंग्लैंड ओपन 2020, ठीक है याद रखना, बर्मिंघम में ही इंग्लैंड की होने वाला है 2022 का कॉमनवेल्थ गेम, ये भी याद रखना श्रेया, ठीक है सब याद रखना, कॉमनवेल्थ भी होगा कहां पे, इंग्लैंड के बर्मिंघम में, और यहीं पर इंग्लैंड की बर्मिंघम में ही इंग्लैंड ओपन 2020 होस्ट किया गया, ठीक है बताओ नुमालीगढ़ रिफाइनरी कहां स्थित है, मणिपुर मेघालय असम अरुणाचल प्रदेश, फटाफट जवाब दो इसका, सबके सब लोग कहां गए भाई, जवाब दो, विवेक श्रेया चंद्रिका घनश्याम दीपक उमंग, ठीक है फटाफट आओ भाई, असम, घनश्याम दुबे असम, इसका आंसर आ रहा है असम, असम श्रेया असम, ठीक है उमंग अरुणाचल प्रदेश, विवेक अरुणाचल प्रदेश, असम याद रखना इसका आंसर है असम, याद रखना असम इसका है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी प्लांट कहां पर है असम, और ये तीन लोगों के ज्वाइंट वेंचर से मिलके बना है, तीन लोग कौन कौन से हैं तो इनका नाम याद रखना, तीन लोग ज्वाइंट वेंचर कौन है तो एक है भारत पेट्रोलियम, सबसे ज्यादा पैसा लगा है लगभग 61.65%, दूसरा है ऑयल इंडिया, ऑयल इंडिया इसका पैसा कितना है तो याद रखना 26%, और दिस लास्ट है गवर्नमेंट ऑफ असम, गवर्नमेंट ऑफ असम का है 12.35% के साथ मिलके बना है क्या, तो ये तीनों तीनों ज्वाइंट वेंचर से मिलके बना है नुमालीगढ़ रिफाइनरी प्लांट जो कहां पे है असम में, ठीक है बीपीएल एचपीसीएल, बीपीएल भारत पेट्रोलियम एग्जैक्टली, एचपीसीएल नहीं कहेंगे, ऑयल इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ असम, ठीक है याद रखना दोस्त, और बात है असम की, असम की बात है तो असम में दो फेस्टिवल बड़े फेमस हैं, बिहू एंड अंबुबाची, ये सबको पता होना चाहिए, अंबुबाची और बिहू फेस्टिवल, अंबुबाची कामाख्या में मनाया जाता है, कामाख्या टेम्पल में, ठीक है, और बिहू फेस्टिवल तो आप जानती हो, रंगाली बिहू कोंगाली बिहू बड़े सारे नाम आते हैं, ठीक है अच्छा एक क्वेश्चन और है, असम की कैपिटल है दिसपुर, असम के सीएम है सर्बानंद सोनेवाल, सर्बानंद सोनेवाल यहां के क्या है सीएम है, ठीक है एंड यहां के गवर्नर है जगदीश मुखी, जगदीश मुखी साहब यहां के क्या है गवर्नर है, ठीक है उमंग दिसपुर एग्जैक्टली वंदिता मानस, अब यहां पे याद रखना, अब असम से दो नेशनल पार्क बड़े हाईलाइट हैं, मानस एंड काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे है ये भी असम में है, होने को तो बहुत सारे हैं, असम में काजीरंगा मानस नामेरी ओरंग गर्म पानी बड़े सारे नाम आते हैं, लेकिन दो नाम हाईलाइट रखना, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है एशियाटिक एलिफेंट के लिए, एशियन एलिफेंट के लिए, और दोस्त याद रखना काजीरंगा फेमस है सिंगल हॉर्न राइनो के लिए, एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ठीक है आपको याद रखनी ये बातें, तो मानस गरम मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है कहां पर असम में, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज या आर
the additional portals of the new website of the Ministry of New and Renewable Energy. नई और नवीनीकरण नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नई वेबसाइट नई वेबसाइट का पोर्टल इनमें से क्या है? अच्छे ऊर्जा पोर्टल, इंडिया रिन्यूएबल आइडिया एक्सचेंज, किसान कृषि पोर्टल, ए एंड बी। फटाफट जवाब दो। आपको आंसर देख के ऑप्शन देख के समझ में भी आ रहा होगा इसका आंसर क्या होगा। उमंग डी, ए एंड बी बोथ। अच्छा और सब लोग कहां गए? विवेक, सारिका, चंद्रिका, वंदिता, बताओ फटाफट। अच्छे ऊर्जा पोर्टल, क्योंकि कलर थोड़ा डिफर लग रहा है इसलिए। घनश्याम, दीपक डी, श्रेया झा, नहीं पता तो पता करो फटाफट। श्रेया, बी होगा शायद सर जी। शायद क्या होता है जी? सारिका अग्रवाल, सी, कृषि किसान कृषि पोर्टल। मेहुल, याद करना सब जिनका आंसर डी है वो टिक कर लो अपना, वो सही है। ए एंड बी यानी अक्षय ऊर्जा पोर्टल एंड इंडिया रिन्यूएबल आइडिया एक्सचेंज, इसको लॉन्च किया, इसको इस पोर्टल को लॉन्च किया हमारे यहाँ के मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एनर्जी कौन है, जिनका नाम है आर के सिंह साहब। आर के सिंह ने इसको लॉन्च किया इस पोर्टल को, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन्होंने लॉन्च किया। याद करना हुए दो पोर्टल है, अक्षय ऊर्जा पोर्टल एंड इंडिया रिन्यूएबल आइडिया एक्सचेंज, ए एंड बी बोथ होगा यहाँ पे। आपको याद रखनी है ये बातें। तो दोस्त ये आपको याद करना, यहाँ मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट किसके, स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अच्छा कैबिनेट मिनिस्टर किसके पास है फटाफट बताओ? पावर मिनिस्ट्री किसके पास है? कैबिनेट की, कैबिनेट मिनिस्ट्री किसके पास है? पावर यानी ऊर्जा मंत्रालय किसके पास है? फटाफट जवाब, जल्दी जल्दी बताओ, फटाक से बताओ किसके पास है पावर? प्रहलाद जोशी, ये कौन आ गया सारी का? प्रहलाद जोशी कौन है? प्रहलाद पटेल होंगे, प्रहलाद पटेल। एक्चुअली में ऐसे याद ना, तो उनके पास टूरिज्म मिनिस्ट्री है। प्रहलाद जोशी का नाम तो हम भी सुन रहे हैं। उमंग प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान के पास पेट्रोलियम मंत्रालय है। और कौन सा है बताओ फटाफट जवाब दो। ठीक है तो दोस्त ये थे आपके आज के 17 मार्च के करंट अफेयर्स के टॉपिक। आर के सिंह ये याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है बेटू, याद रखना। ठीक है तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम फिर से रात में 9 बजे या लाइव में मिलेंगे आपसे 9 से 10। आज बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक के साथ आएंगे, बैंकिंग एमसीक्यूज के साथ वापस मिलेंगे हम आपसे। आप लाइव आना ना भूलना, ठीक है? आप बताओ, हम इसके बाद कमेंट में लिख के बताते हैं किसके पास एनर्जी मिनिस्ट्री है। फटाफट ढूंढो, जल्दी जल्दी ढूंढो, पीयूष नवनीत गुप्ता, पीयूष गोयल। ठीक है तो याद रखना आप सब्सक्राइब, जिन्होंने दोस्त सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और याद रखना लाइक, अगर ये वीडियो पसंद लाई हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलना सभी के सभी। ठीक है, बैंकिंग कौन से डेट का? उमंग, टोटल बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक टॉप 20 या 30 टॉपिक तो होंगे ही क्वेश्चन, जिसको डिस्कस करेंगे हम लोग, एक्सप्लेन करेंगे और आप जवाब दोगे, हम भी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है तो आना लाइव ना भूलना रात के 9 बजे। ठीक है और अभी बहुत जल्दी आपका एक स्पेशल बैच स्टार्ट होगा, जिसके लिए हम आपसे आपको लिंक भी शेयर करेंगे उसका। ठीक है उसके वो दोपहर में किसी भी टाइम उसका बैच चलेगा, एक घंटे का वो भी सेशन होगा हमारा। ठीक है तो दोस्त तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, आर के सिंह भदौरिया चीफ ऑफ नवल स्टाफ, विवेक आर के सिंह भदौरिया कहां चले गए तुम? एनीवे चलो अच्छी बात है, बाय, टेक केयर, और आप लोग अपना ख्याल रखना और मास्क लगा के निकलो। ठीक है, अगर जरूरत ना हो तो घर पे ही बैठो और वहीं से पढ़ो ऑनलाइन। ओके, थैंक यू, बाय।